नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय गौड़ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वायलिन के लेसन नंबर 4 में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, हमने लेसन नंबर 3 में सीखा था अलग अलग बेसिक अलंकार, अलंकार क्या होता है और कैसे वो बनते हैं, है ना। अगर जिसे ये नहीं पता, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, तो वो जाए और पिछला वीडियो देख ले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी उसके आगे हम चलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक अलंकार सीखे, कैसे रिपीटेशंस वाले अलंकार, जहां पे हम हर सुर को रिपीट करते हैं, सा सा, रे रे, ग ग, मामा, पापा, ध ध, नी नी, सा सा, फिर उसका अवरोह मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, सासा, नीनी, धध, पापा, मामा, गग, रे रे, सासा। फिर तीन बार रिपीट कर सकते हैं, सासा सा, रे रे रे, ग ग ग। चार बार रिपीट कर सकते हैं, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, दस बार, जब तक आपकी इच्छा हो, प्रैक्टिस करने की आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद हमने सीखा तीन तीन वाले अलंकार, तीन तीन के ग्रुप्स, जो सीढ़ियां चढ़ती है ऊपर, सारे ग, रे ग, ग म, प, मा, प, ध, प, ध, नी, ध, नी, सा, है ना। फिर इसका अवरोह करना है, सानी, धनी, धप, धप, माप, मांग, मगरे, गरे, सा। फिर हमने सीखा था चार वाला अलंकार, सारे गम, रे गम, प, गमा, पथ, माप, धनी, पधनी, सा। ठीक है दोस्तों, और शायद से हमने सीखा था जंप करने वाला, साग, रेमा, गप, मध, पनी, धसा, एक एक जंप किया, है ना। अभी आगे हम और क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी दो अलंकार को मिक्स कर सकते हैं। कैसे, साग, एक तो स्किप करने वाला अलंकार साग, फिर सारे ग, साग, सारे ग, ठीक है, रे म, रे ग म, ग प, ग म प, मा ध, म प ध, पनी, पधनी, दसा, धनी, सा, सा, ध, सा, नी, ध, नी, प, नी, ध, प, ध, म, ध, प, म, प, ग, प, म, ग, म, रे, म, ग, रे, ग, सा, ग, रे, सा, है ना। दो अलंकार मैंने ज्वाइन कर लिया आपस में, तो नया बन गया अलंकार। क्या करना है, प्ले, सा, ठीक है। उसके बाद हम कोई और दूसरे दो अलंकार जोड़ सकते हैं, या इसमें ही और कुछ नया ऐड कर सकता है, सा ग, सारे ग म। अभी हम क्या कर रहे थे, सा ग, सारे ग, है ना, एक जंप वाला अलंकार और एक तीन तीन का जो सीढ़ी बनता है। अभी हम सा ग, सारे ग म, सा ग, सा रे ग म, रे म, रे ग म, प, ग, प, ग म, प, ध, मा, ध, म, प, ध, नि, प, ध, प, नि, प, ध, नि, सा, सा, ध, सा, नि, ध, प, नि, प, नि, ध, प, म, ध, म, ध, प, म, ग, प, ग, प, म, ग, रे, म, रे, म, ग, रे, सा। देखा, ऐसे बहुत सारे अलंकार बन सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और अलंकार सिखाता हूं, क्या करना है, सारे ग, रे, सा, रे ग, म, ग, रे, ग, म, प, म, ग,
मा प ध प मा प ध नि ध प ध नि सा नि ध नि सा रे सा नि सा रे ग रे सा। अब इसका उल्टा करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलंकार बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में खुद अलंकार बनाएं, लिखें। अगर कुछ गलती रहेगी तो मैं उसको चेक कर लूंगा, पर ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस के आप मुझे अलंकार बताएं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और आपको जो भी आप अलंकार कर रहे हो उनको ढंग से प्रैक्टिस करना। अलग अलग तरीकों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे सा ग सा रे ग मा रे म रे ग म प। तो इसमें आप एक तो कट बो यूज कर सकते हो, हर स्वर के लिए अलग अलग बो, या फिर सा ग एक बो सा रे ग म एक बो। कैसे होगा? समझे? सा ग एक बोलिया, पूरी बोलिया लेकिन, और पूरी बो में हमने बांट दिया इसको कि यहां से लेके यहां तक सा, यहां से लेके यहां तक ग, या फिर या नीचे से लेके बीच तक सा और फिर ऊपर तक ग, और फिर सारे गमा पूरी एक बो में सा रे ग म। प्रॉपर हर सुर को प्रॉपर बो में बांटना है। ऐसे ही आप खुद तो अपना दिमाग लगा के अलग अलग बो में बांट सकते हो, और हर सुर का अलग अलग भी प्रैक्टिस करना है। और चाहे तो पूरा अलंकार एक बो में प्रैक्टिस कर सकते हो, या पूरा एक फ्रेज सा ग सा रे ग म, तो पूरा एक बो में। देखा? तो अलग अलग वेरिएशन बन सकते हैं। कोई भी दो सिंपल वेरिएशन लो और उनसे स्टार्टिंग करो। उनको जब बढ़िया प्रैक्टिस कर लो तब आगे वाले पैटर्न को लो, उसको प्रैक्टिस करो, है ना। छोटा छोटा प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा सेंसिटिव है, इसमें सुर बहुत बिगड़ जाते हैं। तो सही से सुरों को मार्क कर लेना या कानों से ध्यान रखना, क्योंकि संगीत में हमारी कान ही हमारी आंखें होती है, तो कान को बहुत मजबूत करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।